तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आज का हूँ एक बार फिर से आप सबके लिए एक और जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25,000 टू 30,000 प्राइस रेंज के अंदर आने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में। अगर देखा जाए तो ये जो प्राइस रेंज की कैटेगरी है, आप लोग को थोड़ा सा फ्लैगशिप प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से इन्हीं सारे डिवाइसेस से आप लोग बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो चलिए आज की इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दोस्तों इन्हीं सारे प्राइस रेंज के अंदर कौन कौन से डिवाइस से आप लोगों को सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ पास में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि यार रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो जैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके रखते हो तो दोस्तों आप लोगों को साथ ही साथ सबसे पहले हमारी वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एट फर्स्ट बात करने वाले हैं Realme GT Neo 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो डिवाइस है ये काफी दिनों पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन यार इसी डिवाइस से भी आप लोगों को काफी अच्छी और काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर बात करेंगे इसी फोन के सारे फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को Qualcomm Snapdragon की तरफ से 870G का एक प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ साथ रियर साइड में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड दोस्तों 2 मेगापिक्सल की कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाती है। और अगर बात करेंगे इसी कैमरा से ली गई पिक्चर्स और वीडियोस की क्वालिटी के बारे में, तो यार पिक्चर्स और वीडियोस की जो क्वालिटी है वो आप लोगों को डेफिनेटली काफी बेहतर देखने को मिल जाती है। और यार इसी फोन में आप लोगों को 6.62 इंचेस के एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ ही साथ 5000 एम्पीयर की बैटरी भी देखने को मिल जाती है इसी फोन में। डेफिनेटली दोस्तों, आप लोग गेमिंग के लिए इसी फोन को इस्तेमाल कर सकते हो, काफी अच्छी और काफी बेहतर आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी इसी फोन से। अब बात करते हैं Motorola H20 फोन के बारे में। इसी फोन से भी आप लोगों को काफी अच्छी और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर बात करेंगे इसी फोन की की स्पेक्स और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को रियर साइड में 108 मेगापिक्सल की, 8 मेगापिक्सल की एंड दोस्तों 16 मेगापिक्सल की कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप लोगों को काफी अच्छी और काफी बेहतर क्वालिटी की पिक्चर्स और वीडियो देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, इसी फोन में आप लोगों को 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलती है। और इन्हीं सारी चीजों के अलावा दोस्तों, इसी फोन में आप लोगों को Qualcomm Snapdragon की तरफ से 778G का एक दमदार प्रोसेसर देखने को मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है दोस्तों इसी फोन के बारे में, ये जो फोन है ये आप लोगों के 5G वेरिएंट में देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो इसी फोन से भी आप लोगों को काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग इसी फोन के साथ हार्ड गेमिंग भी करते हो तो उन सारी कंडीशन में भी आप लोगों को काफी अच्छी और काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करने जा रहे हैं Xiaomi 11i हाइपरचार्ज 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो यार ये जो फोन है ये कुछ ही मंथ्स के अंदर लॉन्च किया गया है, लेकिन अगर आप लोग देखते हो दोस्तों इसी फोन की फीचर्स की तरफ, तो इसी फोन से आप लोग को काफी अच्छी और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते दोस्तों इसी फोन में आप लोगों को 120 वाट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, और इसी के साथ ही साथ इसी फोन में आप लोगों को 4500 mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिलती है। इन सारी चीजों के अलावा यहाँ पे आप लोगों को 6.67 इंचेस के एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाएगी, और रियर साइड में 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड दोस्तों 2 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ साथ बात करेंगे प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आप लोगों को MediaTek Dimensity 920 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। देखा जाए तो ये जो प्रोसेसर है बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, और अगर देखेंगे तो ये जो प्रोसेसर है आप लोगों को काफी पावर एफिशिएंट देखने को मिलती है। तो गेमिंग के मामले में डेफिनेटली आप लोगों को काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी इसी फोन से। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे Vivo V23 के बारे में। तो डेफिनेटली यार ये जो फोन है ये अपने आप में ही काफी ज्यादा यूनिक है। तो Vivo की तरफ से V23 अप्रोक्स 1 मंथ और 2 मंथ के आसपास ही लॉन्च किया गया है, और कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर दोस्तों ये जो फोन है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि इसी फोन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है, ये जो डिवाइस है दोस्तों ये इंडिया का सबसे पहला एक कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है। बैक साइड की तरफ यहाँ पे आप लोग जितनी मर्जी उतनी इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों जितनी मर्जी उतनी आप लोग डिजाइन्स बना सकते हो। यही फीचर्स इसी फोन को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसी फोन में आप लोग को MediaTek Dimensity 920 का दमदार प्रोसेसर देखने
को मिलता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो प्रोसेसर है बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इसी फोन में आप लोगों को रियर साइड में 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल की कैमरा सेंसर देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ इसी फोन में आप लोगों को फ्रंट साइड 50 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल की कैमरा सेंसर देखने को मिल जाती है। तो यार फ्रंट साइड पे भी आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर बात करेंगे दोस्तों, सारे के सारे डिवाइसेस आप लोगों को काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट देखने को मिल जाती है। आप लोगों को जो भी फोन पसंद आता है दोस्तों, इसी प्राइस रेंज के अंदर आप लोग बिल्कुल ही बड़ी आसानी से परचेज भी कर सकते हो। तो होप करता हूं यार वीडियो आप लोग काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आई है जरूर से पसंद, तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और साथ ही साथ अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह लेकर आता रहता हूं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ फिर से एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।